एक बार वो स्टूडेंट से लिए कर ही दो आप फॉर्म ना। एफ रह गया ना सेक्शन। चलो एनी हाउ, हाँ जी बेटा, फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर डन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक मोशन। मोशन एंड टाइम, ठीक है जी। चलिए मैम, न्यू क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा बोलिए। क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक इज लेफ्ट। क्रिस्टलाइजेशन इज लेफ्ट, राइट। पहले वही कर लेते हैं रेडी। चलो थैंक यू सो मच। चलिए पहले हम वही टॉपिक कर लेते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, चलिए क्रिस्टलाइजेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ। नाउ कैन यू प्लीज एनीवन टेल मी व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, होता क्या है? मैम, अ प्रोसेस टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस प्योर स्टेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इन अ सब्सटेंस इन अ प्योर स्टेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा आपने किस किस चीज के क्रिस्टल्स देखे हुए हैं? हैव यू सीन द क्रिस्टल्स ऑफ एनीथिंग एट होम? सॉल्ट, शुगर, शुगर के देखे हैं सबने। सॉल्ट कैसा होता है? सॉल्ट पाउडर फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है? क्रिस्टल, वो भी क्रिस्टल ही है बेटा। वो अगर उसका स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल उठाओगे तो वो क्रिस्टल ही होता है, ठीक है। दैट इज क्रिस्टल। और किसी चीज के क्रिस्टल देखे हैं? एलम देखा है कभी किसी ने? फिटकरी जिसको हिंदी में बोलते हैं, एलम, ठीक है, वो भी क्रिस्टल होता है। अगर किसी ने कभी देखा होगा तो नॉर्मल कई घरों में यूज होती है वो चीजें, ठीक है। तो काफी चीजों के क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टल्स का पर्पस क्या होता है? देखो अब एक बात बताओ, हम सॉल्ट सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं या नहीं करते? कैसे ऑब्टेन? प्रोसेस हाउ? ऑफ बाय द इवेपोरेशन। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो क्या उस इवेपोरेशन में जो हमें सॉल्ट मिलेगा, क्या वो प्योर सॉल्ट होगा या विद इम्प्योरिटीज होगा? बताइए, क्या इम्प्योरिटी इवेपोरेशन से क्या सॉल्ट की इम्प्योरिटीज चली गई? इवेपोरेशन तो इवेपोरेशन प्रोसेस से तो सिर्फ वाटर इवेपोरेट हुआ, इम्प्योरिटीज थोड़े इवेपोरेट हुई। तो इट मींस जो हमें सी वाटर से सॉल्ट मिला दैट इज सॉल्ट, बट दैट सॉल्ट इज विद इम्प्योरिटीज। उसमें डस्ट पार्टिकल होंगे, सैंड पार्टिकल्स होंगे, कुछ और भी चीजें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, काफी कुछ उसके अंदर प्रेजेंट होगा। दैट सॉल्ट इज नॉट प्योर। उसको हम सॉल्ट को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। सॉल्ट ऑब्टेन हो गया डेफिनेटली, बट वो अभी प्योर नहीं है। एग्री हो इस चीज से? बताइए। ये तो आपकी सारी क्लासेस ही पॉज हो गई हैं। मेरी बात सुन पा रही हो बेटा? यस, यस, एनीवन इज एबल टू लिसन मी? एनी हेलो, सेक्शन बन लाइट वहां पे?
चार सेक्शन ही आए अभी। चलिए, कहाँ तक सुना बेटा आप सबने जो मैं बोल रही थी अबाउट इवेपोरेशन एंड ऑल? कोई एक बच्चा मुझे बता दे, क्योंकि वीडियो पॉज हो गई थी तो मुझे पता नहीं लगा किस पॉइंट तक आपने सुना है। हाँ, तो सॉल्ट में अभी इम्प्योरिटीज है, वो सॉल्ट, दैट सॉल्ट इज नॉट प्योर, ठीक है, वो पूरा अच्छे से क्लीन नहीं है। तो ऐसे सॉल्ट को क्लीन करने के लिए या फिर डायरेक्टली क्लीन प्योर फॉर्म में किसी भी सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए प्रोसेस जो यूज किया जाता है, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे ही जो शुगर बनती है वो भी क्लीन नहीं होती है, ठीक है, शुगर केन से जब शुगर बनती है ना, वो भी बहुत ज्यादा क्लीन नहीं बनती है। तो उसको भी क्लीन करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। सम अदर प्रोसेसेस आर ऑल्सो देयर, दिस इज वन ऑफ द, मतलब हम यही नहीं बोल सकते सिर्फ यही प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है क्रिस्टलाइजेशन में, कैन एनी वन एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? क्योंकि कर तो सबने रखा है, कौन मुझे अच्छे से बताएगा? एनी वन फ्रॉम 7th E? 7th E में से कोई स्टूडेंट चाहिए मुझे जो अच्छे से बता सके। मैंने तो बता ही देना है, ठीक है, आज मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या है 7th E? अनवी, सेवेंथ ही अनवी, During crystallization, a solid is first dissolved in water, then the water is solution formed is allowed to evaporate. By this method, large crystals of pure substances can be obtained. हाँ तो बट उसको बस यहाँ पे एक जगह गलती कर ली। देखो, हमने डिसॉल्व किया मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पानी ले लेना है, हमने किसी भी सॉल्ट को मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है कि जस्ट वो डिसॉल्व हो जाए, उससे ज्यादा वाटर नहीं लेना। उसको फिर क्या करना है, हाई टेम्परेचर पर हीट करना है, सो दैट ऑल द वाटर विल इवेपोरेट। एंड अब जो हमारे पास सब्सटेंस है वो गरम गरम है, उसको कूल कर देना, सडनली ढक के रख देना, कूल कर देना, टच नहीं करना। एंड आफ्टर सम आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन सॉल्ट टू सॉल्ट, किसी को 24 घंटे, 24 आवर्स भी रखना पड़ सकता है, कोई 7-8 आवर्स में भी रेडी हो जाएगा, द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉल्ट आर ऑब्टेन्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, डिजॉल्व, फर्स्ट प्रोसेस क्या किया, डिजॉल्व सॉल्ट इनटू वाटर, ठीक है। वाटर कितना लेना है, बस मिनिमम सा वाटर। फिर हमने क्या करना है, हीट करना है। बेटा हो सकता है किसी बुक में एक दो स्टेप्स कम हो, कोई ज्यादा दे रखी हो, उन्हीं को एक्सप्लेन करके भी कई बार प्रोसेस दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बेटा, हमने बताइए। हाँ, हीट कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, हाँ फिर हम उसको कूल होने देंगे, कूल होने देंगे जस्ट, और उसके बाद इसमें हम क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, फिर हमें क्रिस्टल मिलेंगे, वो जो क्रिस्टल मिलेंगे दे आर इन द प्योर फॉर्म। इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता है ये, अदरवाइज वाटर में भी कुछ सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं जो कि इंप्यूरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तभी तो प्योर क्रिस्टल मिलेंगे ना हमें। तो आपके लेवल के लिए बेटा 7th क्लास के अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है, वी विल नॉट गो इन डिटेल्स। बेसिक प्रोसेस क्या कहता है, डिजोल्व सॉल्ट इनटू वाटर, फिर हीट करो, फिर कूल करो, एंड देन हमारे पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही घर में आप शुगर के साथ थोड़ा सा करके देख सकते हो, शुगर को मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में आप डिजोल्व कर दो, उसको बहुत ज्यादा हीट करो,
सो दैट ऑल द वॉटर जितना है निकल जाए, या जो आपने सुना होगा ना घर में बोलते चाशनी बनानी है, सुने कभी किसी ने? जस्ट रेज योर हैंड्स, किसी ने सुना हो कभी? घर में बोलते हैं ना कुछ स्वीट्स बनानी है, कुछ करना है तो बोलते चाशनी बनानी है, चीनी को पानी में डाला जाता है, जब चीनी मेल्ट होती है ना, वेरी गुड, तो उससे जो इम्प्यूरिटीज होती है, अगर शुगर इम्प्योर है तो गंदा गंदा सा पानी ऊपर आ जाएगा, उसको निकाल दो ना, फिर पानी साफ हो जाता है, वो शुगर का जो क्रिस्टल, उसको ठंडा होने दो। आप कर सकते हो ये अपने बेसिस पर आप करके देख सकते हो, फिर उसको लेट इट कूल, वो क्रिस्टल बन जाएंगे उसके, वो सॉलिड हो जाएगा, फिर उसके क्रिस्टल बन जाएंगे, आप ये करके देख सकते हो, ठीक है? छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये, आप करके देख सकते हो। सो दिस इज हाउ द क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक वर्क्स, राइट? एनी डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बता दीजिए मुझे, आप कर सकते हो शुगर के साथ ये एक्सपेरिमेंट क्रिस्टलाइजेशन का, ठीक है? चलिए, बोलो। नथिंग एल्स बेसिकली, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो, शुड वी स्टार्ट विद मोशन एंड टाइम नाउ? ओके जी, थैंक यू। चलिए क्वेश्चंस कीजिए बेटा स्टार्ट, जरा अगर पहले नहीं किए थे तो। मोशन एंड टाइम के ग्राफ वाले दो क्वेश्चंस छोड़ दीजिएगा, ग्राफ का टॉपिक नेक्स्ट आगे आएगा जाकर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद उसी के साथ कवर करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद आएगा। तो M1 पार्ट में जो दो क्वेश्चन है, रेस्ट एंड मोशन वाला और अरेंज द फॉलोइंग, ये जल्दी से कर लीजिए। यूनिट्स का ऑर्डर किस किस को आता है, कि किस यूनिट ऑर्डर में यूनिट्स होती हैं, सबसे बड़ी यूनिट्स कौन सी है, फिर कौन सी, फिर कौन सी? हम एक एक्रोनिम बनाकर याद कर लेते हैं ना उस चीज को, किस किस को पता है वो चीज? आई थिंक किया होगा आपने जूनियर क्लासेस में किसी में, उसमें। यस यस, आ जाओ जिसको पता है, आगे आ जाओ। हाँ, यस मैम, द एक सेंटेंस था जिसे हमने याद किया था। किंग याद आ रहा है? हैरी डाइड, मदर यस, डिडंट क्राई मोर। वेरी गुड। तो क्या था वो? किंग हेनरी डाइड मदर, इसको मैं मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी ज्यादातर जो होती है ये यूनिट यूज होती है मीटर। मदर डेंट क्राइड मच, ठीक है? याद करो इसको, दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द यूनिट कन्वर्जन, बहुत हेल्प करेगा आपको ये, आपको लेटर ऑन हायर क्लासेस तक हेल्प करेगी ये चीज, ठीक है? ये क्या है? किंग, किंग से आता है किलो, किलोमीटर, किलोग्राम, किलोलीटर, कुछ भी, ठीक है? किलो, हेच से क्या होता है? यस, मीटर हेक्टोमीटर, हेक्टो कर लो इसको, ठीक है? हेक्टोमीटर, हेक्टो लीटर, हेक्टोग्राम, कुछ इस तरीके से ये होता है डेका, ये सिंपल मीटर, ठीक है? फिर डेसी मीटर, डेसी लीटर, फिर आ गया सेंटी, वेरी गुड, एंड देन हमारा आ गया मिली, ठीक है? इसको रादर हम मिली, ये 2 M आते हैं इसमें, मिलीमीटर, इसको ऐसे रीड करते हैं हम, मिलीमीटर, ठीक है? अब और क्या चीज है, जब हमने बिगर से स्मॉलर यूनिट्स की तरफ आना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलो इज 1000 मीटर, और जब रिवर्स जाना हो, स्मॉलर से बिगर यूनिट में जाना हो, तो हम क्या करते रहते हैं, बाय। डिवाइड बाय 10 करते रहते हैं, ठीक है? तो 1 जंप के लिए 1 10, जैसे किलो से हेक्टा में आना है तो 1 बार 10। अब आपको पता है ना 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, मीटर, थाउजेंड मीटर। देखो इस 1000 को हम 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, वी राइट? अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब क्या किया,
1, 2, 3। वन जंप के लिए 10 आया, सेकंड के लिए फिर 10 आया, थर्ड के लिए फिर 10 आया। इजी हो गया ना कन्वर्ट करना। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलूं आपको कि 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो क्या करोगे? आपने देखा मीटर ऊपर है, मिलीमीटर तो नीचे है, कितनी बार जाना पड़ा? 1, 2, 3। 3 बार गए तो 3 0 लगा दो। समझ आया? अगर मैंने बोला 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। चलो रिवर्स चलते हैं फिर से। अब मिलीमीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है, तो हमने क्या किया? डिवाइड बाय 10। टेन, तो मतलब कि 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल है, जिसको आप 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ आया? ये नोट करो बेटा सभी, ये सारा, हाँ इसको याद करना है आपने, सारे इस पूरे को। थोड़ा सा मैं नीट कर देती हूँ इसको। ठीक है, इसको ना यहाँ पे मिलीमीटर करके लिख लो आप, मिलीमीटर, राइट? हेलो सर, ये कौन अब हमेशा ठीक करेगा यूनिट कन्वर्शंस? बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी डाउट है, किसी किसी को 7C में से नॉट इवन अ सिंगल हैंड रेस्ड, गलत करनी है अभी भी? कौन कौन ठीक करेगा? वेरी गुड, काफी स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल ठीक करनी है। ठीक है, बस इसको याद रखो, कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। एटलीस्ट इतनी यूनिट्स आप याद कर सकते हो, होती तो और भी है, आप इतनी याद करो कम से कम। ठीक है, चलिए, ये आपको 10th तक तो बहुत काम आने वाली है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए जरा मुझे जल्दी से। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बी कैसे हो गई बेटा? बी इज नॉट द राइट आंसर, डेसीमीटर पहले आ रहा है बी में, वो कह रहे। ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल राइट, सी इज द राइट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज सी। ठीक है जी, नंबर 200 डेसीमीटर है जो 20 मीटर के बराबर होता। अच्छा यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं है ना, लेट मी चेक बेटा, 1 मिनट। 2 किलोमीटर मीटर, नहीं बेटा स्टिल डेसीमीटर में वो तो हो जाएगा ना आपका, डेसीमीटर में डिवाइड बाय 10 भी तो हो जाएगा, 20। हाँ 20 मीटर, राइट राइट राइट, फिर बी होगा बेटा, एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप। देखो आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर, सबको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये बना 2000 मीटर। कन्वर्ट ऑल द यूनिट्स इन मीटर, हम पहले ये देखते हैं। आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर, ये बना 2000 मीटर। सेकेंड ऑप्शन आपको दी हुई है 200 डेसीमीटर, सब में सेम है। अब चलिए, डेसीमीटर से हमने किस में आना है? मीटर में ऊपर जाना है, तो क्या करोगे आप? डिवाइड डिवाइड बाय 10, तो 200 डिवाइड बाय 10 आपका कितना आया? 20 मीटर। थर्ड ऑप्शन भी आइए, वो तो है ही 12 मीटर, है ना, ऑलरेडी वो मीटर में ही है, 12 मीटर। फोर्थ ऑप्शन पे आइए, 93 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर से अगर मैं, ये मिलीमीटर है,
ठीक है, ये मिलीमीटर है मेरे पास, मुझे ऊपर जाना है कहां पर, मीटर के पास। तो मैं कितनी बार जंप किया मैंने, 1 2 3, मतलब 1000 से डिवाइड होगा, तो 93 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये बना 0.093 मीटर। ठीक है, तो जब भी आपको यूनिट कन्वर्शन करनी है, पहले उन सबको सेम यूनिट में बना लो, सबकी वैल्यू सेम कर दो। अब देखो सबसे बड़ा कौन है, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे। ये ऑप्शन देखो अब कहां पर है, 2 किलोमीटर, 212, बी वाले में, बी इज द राइट ऑप्शन। समझ आया बेटा? चलिए, वेरी गुड। और फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, रेस्ट इन मोशन आर डैश टर्म्स, रिलेटिव रिलेटिव टर्म्स, वेरी गुड। मतलब पता है रिलेटिव का सबको? ठीक है, वो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम करते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म समझाने के लिए, व्हेन यू आर ट्रेवलिंग इन द कार। ठीक है, रेस्ट एंड रिलेटिव का मतलब क्या है कि कुछ चीजों की रिस्पेक्ट में तो आप मोशन में हो एंड कुछ चीजों की रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पर हो। तो व्हेन यू आर इन द कार, ठीक है, कार में बैठे आपके मम्मी पापा बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, है ना, उनके उनके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट में हो या मोशन में हो? रेस्ट एंड सराउंडिंग, आपकी सराउंडिंग के कंपैरिजन में, मोशन आप चंडीगढ़ में थे, आप पंजाब में थे, आप दिल्ली चले गए हो, यू आर इन मोशन। बट आपके जो आपकी कार के जो पार्ट्स थे, सीट थी, स्टीयरिंग था, स्पीकर थे, सब चीजें, आपके पेरेंट्स थे, उनके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट में हो, राइट? तो इस चीज को हम बोलते हैं रिलेटिव, राइट? सो दैट इज व्हाई द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। चलिए, अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक है M2। आप मुझे, चलो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करो, गिविंग यू 5 to 7 मिनट्स, दैट्स इट। फटाफट से क्वेश्चंस कीजिए, 3 4 5, 3 क्वेश्चंस कीजिए पहले, फिर इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? चीटिंग नहीं करनी, ऑनेस्टली अपना अपना करना, ताकि आपको पता लगे कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है और मैम से हमने डाउट पूछना क्या है, ठीक है? और जो थोड़े से बच्चे कम पूछते हैं ना क्वेश्चंस, वो आगे आया करो पूछने के लिए, ठीक है? कोई कुछ नहीं कहेगा, बल्कि एप्रिसिएशन ही मिलती है, हाँ इस बच्चे ने पूछा, अच्छा लगता है, पूछा करो, ठीक है? चुपचाप नहीं बैठना कि समझ नहीं आया और ज्यादा चुप होकर बैठ जाओ, क्लियर? चलिए, हमें डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक नहीं करवाया। करवाया नहीं है, नो नो मैं समझा देती हूँ बेटा, फिर डिस्टेंस वाला यस ये चैप्टर हुआ है आपका क्लास में? मैम, यस मैम, चैप्टर फिनिश हो गया, पर मैम ने डिस्प्लेसमेंट नहीं कराया, डिस्टेंस कराया। ओके, मैं फिर थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ बेटा, मैं देख लूँ फिर आपके सिलेबस में है कितना की, देन आई विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। अच्छा, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हैं, ओके। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ में ही करते हैं बेटा, ज्यादा तो आपके सिलेबस में है नहीं है ये टॉपिक। चलिए, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, है ना, कितना हमने कवर किया। आप यहां से स्कूल से स्कूल के गार्डन तक गए, गार्डन से आप किसी और फ्लोर पे चले गए, तो आपने कितना चले आप सारा, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, कितना आपने ट्रैवल किया, वो होता है डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कोई बहुत ज्यादा
अलग भी नहीं है बट वो सेम भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है? जैसे कि सपोज करो हम वैष्णो देवी जाते हैं या हेमकुंड साहिब जाते हैं, तो वहां पर जो हमें हाइट दी जाती है वो हमें कैसे दी जाती है? ये माउंटेन है लेटर से, यहाँ पर हमारे गुरुद्वारा या टेम्पल है, हमें हाइट दी जाती है ये वाली, राइट? हमें बोला जाता है ये 15 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर की हाइट पर है, बट क्या आप एग्जैक्टली 15 किलोमीटर ही चल रहे हो? आप तो ऐसे चल रहे हो, ऐसे ऐसे जाते हैं ना हम घूमते हुए, है ना? माउंटेन से ऐसे ही बनेंगे, समझ आई ये चीज? तो ये जो आप कवर कर रहे हो, ये वाला जो पाथ आप कवर कर रहे हो, ठीक है, ये क्या कवर कर रहे हो यार? डिस्टेंस। पर यहां से जहां से आपने चलना शुरू किया था वहां से आपके डेस्टिनेशन का शॉर्टेस्ट रास्ता जो था उसका डिस्टेंस कितना था बताइए? लेट अस से 15, एग्जाम्पल कि वो रास्ता था 15 किलोमीटर, तो हमें ये वाली हाइट जो शॉर्टेस्ट पाथ बताए, ये आप 15 से कहीं ज्यादा चलोगे, ये जो ट्रैवलिंग हुई ये 15 से लेटर से ये नियरली आपकी हो सकता है 30 किलोमीटर भी हो जाए, डिपेंडिंग कौन कहाँ जा रहे हो, कैसे रास्ते हैं, ठीक है? मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझ आई बेटा ये चीज? तो डिस्टेंस कितना कवर किया आपने? 30 किलोमीटर, बट शॉर्टेस्ट पाथ का रास्ता क्या था? 15 किलोमीटर, राइट? जैसे आप रोप वे से यूज जाते हो, रोप वे यूज किसने किया यूज? कभी कोई गया रोप वे से? रोप वे पता है क्या होता है? सबको नहीं पता, ठीक है? बेसिकली माउंटेन्स का रास्ता शॉर्ट करने के लिए होता है वो, ठीक है? डायरेक्ट हम इस वाले पाथ से जाते हैं ना कि घूमने वाले पाथ से, ठीक है? चलो एनी हाउ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इसका एक और मतलब क्या है? आपकी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, डिफरेंस लिख सकते हो आप, डिफरेंस इन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है? जैसे कि सपोज करो आप ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हो, आप बी तक गए, गए हाँ, और वापस आप आए सी पर, पहले कहाँ गए? ए टू बी और देन बी टू सी, यहां आकर आप स्टॉप हो गए हो। ए आपका क्या है? इनिशियल पॉइंट, और सी क्या है बेटा आपका? फाइनल। आप बी पे रुके थे, बी पॉइंट पर आप स्टॉप हुए थे बेटा? नहीं हुए, जहां स्टॉप होंगे वही आपका फाइनल पॉइंट होगा। अब समझो एक चीज को, ए पॉइंट था 0 पर, बी पॉइंट था 50 पर, और सी पॉइंट था आपका 30 पर, लेट अस से 30 मीटर या 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर्स एंड 50 किलोमीटर्स। अब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में डिफरेंस कितना है? 30 किलोमीटर, ठीक है, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई वो कितनी थी बेटा? 30 किलोमीटर। कैसे निकली है? फाइनल पॉइंट था सी पर, उसकी वैल्यू थी 30, माइनस इनिशियल पॉइंट था ए पर जिसकी वैल्यू थी 0। आई बेटा बात समझ? 30 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर कितना देगा हमें? 30 किलोमीटर। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसी जर्नी का डिस्टेंस पूछूं, मैं पूछूं कि आपका आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, कौन बताएगा मुझे? चलिए, यस, सेवेंथ डी, प्राची, डिस्टेंस बताइए मुझे कितना कवर हुआ? आवाज नहीं आ रही बेटा?
माइक हाथ में ले लो बेटा एक बार। हंड्रेड 110, ओके। और कोई? चलिए गो बैक टू योर सीट। यस, अगेन फ्रॉम 7th D, पारस। यस बेटा, माइक हाथ पे ले लो बेटा, तभी आवाज आएगी। हाँ, आई एम आस्किंग व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी। चलिए बेटा जल्दी बताओ। 110? हाउ? 110 आप बोल रहे हो। चलिए गो बैक टू योर सीट। ये 7th G, 7th G, वंश। वाह जी, सबसे आगे बैठा है ये बच्चा, है ना, लास्ट से निकल कर आना है। चल यस कितना डिस्टेंस कवर किया? मम्मी हाउ? बताओ, एक्सप्लेन कर टिक बेटा। आप उसको बेटा ऐसे नहीं कर सकते। चलिए बेटा जल्दी बताओ। कौन एक्सप्लेन? गो बैक टू सीट। कहना है हम कौन बोल रहे हैं 7th D से? सेवंथ है गुरकीरत सिंह। हाँ तो मैम द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज 70 किलोमीटर। 70? क्लैप फॉर गुरकीरत बेटा, एवरीवन शुड क्लैप फॉर हिम। ठीक है, बहुत अच्छे से आंसर दिया। देखो, समझो बेटा चीज को, क्रैम मत करो। जितना क्रैम करोगे उतना ही फंसोगे। एक क्वेश्चन कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना कर रहे हो उतना अच्छे से करो। मेरे को तो था डिस्टेंस तो सभी बता देंगे फटाफट। देखो डिस्टेंस क्या होता है, अभी हमने पढ़ा टोटल पाथ कवर। ठीक है, अब सपोज करो वो ए से बी तक ट्रेवल किया, डिस्टेंस में कितना आया? ए बी। फिर वो वापस गया कहां तक? बी से सी तक, राइट? ए बी का डिस्टेंस कितना है? ए टू बी कितना डिस्टेंस है? यस, 50, राइट? 50 किलोमीटर। अब देखो बी से वो सी पर आ रहा है, वैल्यू 30 मत देखो ना, रिवर्स आ रहा है वो। 50 माइनस 30 कितना है थैंक आपको? 50 से वो 40 पर आया तो 10 किलोमीटर कवर किए, 40 से फिर वो 30 पे आया अगेन 10 किलोमीटर कवर किए ना, तो कितना कवर किया 50 से 30 बी से सी तक आने में? 20 किलोमीटर्स। वेरी गुड, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? वेरी गुड। ये किस किस का आंसर 70 था? जस्ट रेज योर हैंड्स। 7th F में से कुछ स्टूडेंट्स का था, काफी ज्यादा बच्चों का तो नहीं था। अभी समझ आया ये सबको? हमने जस्ट रिटर्न वाली वैल्यूज पे नहीं जाना, ये 50 लिखा है, ये 30 लिखा है, तो 50 प्लस 30 80 कर दो। और ये 110 10 वाले स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही महान है। 110 10 कहाँ से बन रही है बेटा वैल्यू? कहीं से घुमा फिरा के भी नहीं बन रहा 110 नंबर तो। दिस इज द वे कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ड्रॉ दिस डायग्राम, ड्रॉ इट। ठीक है, पॉइंट ए सी बी बनाओ,
डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, इसका सॉल्व करो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी लिख लो एसी, ये कितना था? जीरो। ये डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन भी लिख लेना बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ इसका मतलब लिख लेना, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये लिख लेना बस। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, डिस्टेंस निकालना है तो ये, और ये सेकेंड। डन बच्चे, कर लिया सबने नोट? चलिए सबका हो गया ना। अब क्वेश्चन कीजिए, जरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो, देखो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की जीरो कब होती है बेटा? देखो कंडीशन देखो, ये भी देख लो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो लिख लो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ चलना, किसी भी तरीके से गया, चाहे वो सर्कुलर पाथ में गया और वापस यहीं पर आकर स्टॉप भी हो गया। ठीक है, जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पर वो आकर स्टॉप हो गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। तो इसका नीचे लिखिए, इसमें लिखो व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। ठीक है, चाहे वो सर्कुलर में हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल में हो, किसी भी तरीके से हो, अगर वो ऐसे है पॉइंट ए, लेट अस ए पॉइंट एक्स से स्टार्ट हुआ, चल रहा है यहाँ पे इस पाथ पे, वो चल रहा है यहां तक गया पॉइंट बी तक, और अब वो रिवर्स भी इसी पाथ पर आ रहे हैं, इसी पाथ पर वो वापस भी आ गया और पॉइंट एक्स पर ही वो स्टॉप हो गया। तो इनिशियल पॉइंट क्या था यहाँ पर, एक बार समझ लो फिर लिख लेना। ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या था यहाँ पर? एक्स। फाइनल पॉइंट क्या था? एक्स। दोनों ही क्या थे? एक्स। अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है तो इस केस में मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि देयर फोर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बिकॉज इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल भी वही पर है। ठीक है,
आप क्लासरूम से बाहर गए, पानी पीने गए या वॉशरूम गए, वापस आकर आप अपनी सीट पर ही बैठ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो, राइट? कोई और कोई मुझे एग्जाम्पल देगा कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी? रियल लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से कौन मुझे बताएगा? चलिए, नवनीत कौर फ्रॉम 7th है। He has left the school. When you left the school, Ma'am, she has left the school. Navneet he Kaur, has seventh left. F. Okay, मेरे पास नाम है ना बेटा, तो मुझे नहीं पता ना इस चीज का, she left the school. मैं लिख ही देती हूँ left the school. वैसे एग्जाम्पल भी ठीक थी ये, अगर थोड़ी सी मॉडिफाई की जाती तो। जसकीरत सिंह फ्रॉम 7th F। Ma'am, he is in assembly as a helping guide. अच्छा जी, वंशिका। चलो, कोई Ma'am, 1 minute. रियल लाइफ से एग्जाम्पल जब आपको पता लग रहा है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सभी सेक्शन में की टर्न आने वाली है आज, बस इसके आगे मैं काम नहीं करवा रही हूँ। आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, तीन मैम, कैन वी गो क्वेश्चन। आउट टू गेट समथिंग? गो व्हेन वी गो आउट टू गेट समथिंग? आउट, कैन आई? मैम, इससे डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हुई बेटा? व्हेन यू आर आउट फ्रॉम योर होम टू बाय समथिंग, देन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। टू मेक इट जीरो, यू व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट क्या करना पड़ेगा? कौन इसकी एग्जाम्पल कौन? मैम, ये 7th D में से कुछ हैंड्स रेज हैं जो मुझे अभी एग्जाम्पल के लिए, कहना है? मैम, नहीं अभी मेरे, आप बता देना मुझे एक बार, इस एग्जाम्पल को मॉडिफाई करने दो सो देट इसको भी पता लग जाए कि क्या करना था। हाँ जी, 7th D में से कोई स्टूडेंट आइए, बच्चे बच्चे कुछ हैंड्स रेज दिख रहे हैं मुझे, आ जाओ कोई भी एक। जैसे कोई सर्कुलर पाथ है, हम उसमें से ट्रेवल करें। मैम, हमने ए पॉइंट से शुरू किया। मैम, हाँ जैसे हमने एक हॉस्पिटल है, हाँ किया और पूरा सर्कुलर पाथ कवर किया मैम, और वो हॉस्पिटल के सामने आ गए, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो। हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। बट अभी मैंने किसको बोला था, वंशिका, क्या नाम था? यस, वंशिका, वंशिका। वंशिका ने जो एग्जाम्पल दिया था कि व्हेन वी आउट फॉर सम टू बाय समथिंग, उस एग्जाम्पल को कौन मॉडिफाई करेगा सो दैट द डिस्प्लेसमेंट विल बिकम जीरो? आ जाओ, कौन कहना ही बोल रहा बेटा, क्योंकि कर्टेन्स आ रहे हैं आगे, शायद मुझे आप सारे बच्चे दिख नहीं रहे हो। अगर हम अपने घर से बलाचौर तक जाएं और मैं वहां से बलाचौर से वापस अपने घर तक आए और हाँ, वहां लेकर आए, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। एक्सीलेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक, आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, राइट? कोई और अच्छी सी एग्जांपल देना चाहता है? एनीवन एल्स फ्रॉम मैम, व्हेन 7th? द रनर रन्स अराउंड द सर्कुलर ट्रैक वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। जब सर्कुलर ट्रैक ट्रैक के अराउंड रनर्स भाग रहे हैं, यहाँ पे जिस पॉइंट से उनका स्टार्टिंग पॉइंट लेट अस ये था, यहाँ पे फ्लैग लगा देते हैं हम एक, ठीक है? सुंदर है फ्लैग, अच्छा नहीं बना वैसे, ठीक है। वो इस पॉइंट से रन करना स्टार्ट करते हैं और हर बार यहां पर जब भी आएंगे उनकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती जाएगी। डिस्टेंस क्या होगा, विल इट बी जीरो और नॉट, बताओ? डिस्टेंस जीरो और नॉट? नहीं। नहीं, डिस्टेंस जीरो और नहीं, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता बेटा। डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस वर्ड आया तो डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, राइट? सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट लेट इन विद एग्जांपल। फिलहाल आपने कोशिश करनी है बेटा, क्योंकि मेरा आज टारगेट था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करने का, वो रह गया अब आपका, तो आप फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ट्राई करोगे करने के लिए, आई होप अब हो जाने चाहिए, ठीक है जी? चलिए, बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच टीचर्स, बाय मैम, बाय बच्चा, बाय बाय। ओके बेटा, बाय बाय बेटा, बाय बेटा। मैम।
वहीं से ऑफ कर लो अपने सिस्टम्स, वहीं से डिवाइड। आई एम टेलिंग द रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल नो इट्स बेटर।